हेलो, हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और आप लोग द्रौपदी, सब, दौला और सबों को हम लोगों की तरफ से जय यीशु। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं आप सबों को सर्वप्रथम, काफी दिनों के बाद हम लोग मतलब कि फैमिली ब्लॉग में आ रहे हैं, तो आप सबों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत भर भर के प्यार दिए दे रहे हैं, है ना। और इसी तरह प्यार, अपना प्यार आप लोग बनाए रहिए। और चलिए आज बने रहिए। आज आप लोगों को मतलब कि बतलाना चाहते हैं, हर धर्म में, हर समाज में अपने अपने तरीके से अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। तो हमने अपने पूर्वजों को याद करने के लिए उसकी तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, उसे आप लोगों को दिखलाना चाहते हैं। कुछ क्लिप तो मैं पिछले साल के लगाऊंगी कि पिछले साल हमने खुद कैसे तैयारी की थी, और इस वर्ष हम लोग खुद तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है और इनकी भी खराब थी, जिसकी वजह से हम लोग खुद नहीं कर सके। और हमने डिसाइड किया कि उसे सीमेंटेड करा देंगे। तो चलिए बने रहिए। और किस तरह से पूरा बाउंड्री होने पर, हो जाने के बाद वहां किस तरह से जंगल होने लगा है, और उसकी सफाई अभी कुछ दिनों के बाद, मतलब कि 2 नवंबर को है हमारा कब्र पर्व, तो तब तक सारा साफ सफाई हो जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति से आप लोगों को अवगत कराते हैं, और कब्र बनाने में हमें क्या किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो सब हम लोग सब दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर, जो शुरू से जितने भी बनते आ रहे हैं, और कब्र बन चुकी है, आज हम लोग फाइनल देखने जा रहे हैं। तो फाइनल कैसे बना, वहां तक आप लोग हमारे साथ साथ सफर कीजिए, ठीक है ना। ऐसे तो हमारे भाई बहन सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक नई जानकारी है। और पसंद आने पर आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार पाके हम लोग बहुत खुश है। और हम लोग अभी कब्र जाने के लिए निकल चुके हैं, है ना, फोर्ट जी से। कब्र जो है वो सेक्टर सिक्स के आगे है। रास्ता का व्यू कुछ इस तरीके से खूबसूरत सा। ये सिटी कॉलेज है, चलिए। इतने खराब रास्ते हैं, सिटी कॉलेज से होकर के, बोकारो का सिटी कॉलेज है ना, उसके बाद है, और ये रास्ता है जो दूर दूर तक आप लोगों को एकदम खराब ही खराब नजर आ रहे हैं। बोलिए क्या बोलिए, अपलोड करेंगे तो देखिए कितना स्थिति खराब है, जरा उसको दिखाने। और ऐसे बारिश होगी तो उस दिन जाना और मुश्किल हो जाएगा। रास्ता को दिखलाते हैं ना, रास्ता दिखलाते हैं कितना खराब है। रुकिए, चलो ये देखिए नदी। ऐसे पिछले साल प्रशासन की ओर से मतलब कि यहाँ बनवाया गया था, और पता नहीं इस बार तो अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, तो पूरा आगे तक जाने के लिए दूर दूर तक आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से रास्ता की स्थिति है। चलिए फिर बने रहिए आप लोग। गाय, बैल, भैंस चल रहा है, गाय तो नहीं है, भैंस है। देखिए रोड कितना खराब हो गया है कि पानी से भर गया है, जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जाना है इसलिए जा रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए जाना जरूरी है इसलिए लोग जा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो जाने के लायक स्थिति नहीं है। और देखिए कि ये खूबसूरत से मेरे पीछे, हाँ देखिए पीछे के पूरा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। मैं साथ की गाड़ी में बैठ के मजे कर रही हूँ, है ना। और इधर दिखलाते हैं बड़े, और इधर जो है मालती अपार्टमेंट बोलते हैं, इसमें कई अलग अलग फ्लैट बने हुए हैं, ठीक है ना। इस तरह के नजारे हरे भरे तो है, लेकिन आने के लिए जो परेशानी है। देखिए अभी हम लोग रास्ते में थे, रास्ते की स्थिति तो बताए ही, आप लोग को दिखाए भी, और इधर हम लोग कब्र के गेट तक पहुंच गए हैं। और देखिए अंदर का सीन दिखाई दे रहा है, उससे आप लोग को महसूस हो ही रहा होगा कि किस कदर जंगल और झाड़ी हो गया है। ये पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये जो बाउंड्री हो गई है ना, जिसके कारण मतलब कि जंगल ज्यादा होने लगा है, तो इसकी साफ सफाई तो होनी चाहिए, पर देखिए कैसा क्या होता है। और ये जो है पिछले वर्ष की क्लिप है, हस्बैंड पूरे तैयारी के साथ, मैं और हस्बैंड आए हुए थे,
और सारी साफ सफाई होने के बाद की स्थिति कैसी है देखिए, हस्बैंड किस तरीके से अथक प्रयास के बाद साफ सफाई किए, और साफ सफाई होने के बाद वो कैसा दिख रहा है उसे भी आप लोग देखिए और बतलाइएगा जरूर। इसकी तैयारी में हस्बैंड पहले से लगे हुए थे, और आज जो है वो 15 अक्टूबर है, जिसे कि मैं छुट्टी में हूँ, तो आज मैं देखने के लिए आ रही हूँ। और चलिए आगे बने रहिए कि वो किस तरीके से बना है फाइनल, उसे आप लोग देखिए। और झाड़ी होने के कारण लोग आते हैं और सफाई करने का हिम्मत नहीं करते, नहीं तो इतना 15 अक्टूबर तक इस तरीके का झाड़ी पहले नहीं रहता था। तो देखिए पूरी तैयारियां शुरू से ही चल रही थी, किस तरीके से सीमेंट वगैरह लाए, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, हस्बैंड बोल रहे थे। ठीक है ना, आप लोग का वीडियो बना रहे हैं ना और जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा आप लोगों को, सीमेंट बालू गिट्टी सब कुछ यहाँ पहुँचा दिया गया है, और इसको पहुँचाने में काफ़ी परेशानी हुई। जिस तरीके से कि रास्ता दिखाई पड़ रहा था, तो दो तीन जगह फंस गया था गाड़ी, ऐसे हस्बैंड बोले, उसकी मतलब वीडियो नहीं शूट कर पाए हस्बैंड। ठीक है ना, और कब्र को इस तरीके से तैयार किया जाता है, ये पिछले साल का कब्र है। और देखिए इस वर्ष जो है इसका मिट्टी जो है सीमेंट करने के लिए पूरा खोद के निकाल दिया गया है, और सीमेंट करने की तैयारी की जा रही है। चलिए देखिए आप लोग, सीमेंट कैसे की जाती है सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग दोनों जॉब में होने के कारण प्रत्येक वर्ष कब्र की साफ सफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होती थी, इसलिए हम लोग उसे सीमेंट करवा दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा समय ना लगे, मतलब कम समय में काम हो जाए, इसलिए हम लोग सीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं थी। कितना लगा सीमेंट? 3 बोरा। तो ये कब्र जो है फाइनली तैयार हो ही चुकी है, थोड़ा सा इधर में नाम लिखाएगा, और इस तरीके से बन गया है। तो आप लोगों को करवाना है, बनवाना है, तो इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, रोशन भाई से। ये रोशन भाई है। हाँ, कब्र मतलब की देख रेख, पूरा कब्रस्तान की देख रेख एक तरह से जिम्मेवारी नहीं की है। और आज का इस छोटा सा ब्लॉग को अंत करते हैं हम लोग। दहिना 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 जाएंगे। अच्छा, इतना रास्ता खराब है, नीचे नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो आज की छोटी सी ब्लॉग को अंत करते हैं, और आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है, सारे लोग एक होइए भाई, इतना साफ सफाई करवाना है तो। हाँ, मतलब बोकारो वासी को बोल रहे हैं, है ना, और पसंद आता है तो आप लोग उसे बोलिए जल्दी, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। पूरा जंगल देखिए। हाँ, ये ब्लॉग कब्र परब के पहले हम लोग डालेंगे। हाँ, ताकि आप लोग देखें कि क्या स्थिति है। हाँ, और जल्दी जल्दी आइए अपना अपना साफ सफाई करवाने के लिए।